Hey guys welcome back to the another block of clinical dentistry hub i hope you all are doing good so if you don't know me my name is dr shabista jabi and i make videos related to dentistry so if you are new to my channel please click subscribe and you have already subscribed my channel and coming back again and viewing my videos a big thank you to you so आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि कौन से इंश्योरेंस है जो कि एक डेंटिस्ट को लेना चाहिए क्योंकि ये इंश्योरेंस आगे जाके द वे और अदर आपको कही न कहीं ना कहीं हेल्प में आते ही हैं तो मैं आपको लिस्ट बताऊंगी वो किस किस जगह पे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं और आपको कहाँ कहाँ उसका फ़ायदा होगा तो फर्स्ट आता है दैट इज़ टू कवर दी डैमेजेस ऑफ डेंटल क्लिनिक अब ये डैमेजेस किस रूप में हो सकते हैं सबसे पहले अगर कोई फायर हो या फिर अर्थ वगैरह हो या फिर फ्लड्स आ जाए एक्ट ऑफ टेररिज्म हो रियाट्स हो इन सब के कारण अगर आपके क्लिनिक को कुछ भी डैमेज होगा तो वो सब कवरेज जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो कवरेज देगी क्योंकि जब भी हम क्लिनिक सेटल करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि हम कभी ये सोच के क्लिनिक नहीं बनाते मोस्ट ऑफ़ अस कि हमने क्लिनिक बनाया उसमें लाख रुपए लगा भी दिए तो आगे जाके अगर खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक वग़ैरह आ गया या फायर की वजह से आपका क्लिनिक ख़राब हो जाता है तो उसके पैसे वापस कहाँ से आएंगे तो यह सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पैसे कहां से आएंगे क्योंकि उन सब का सोल्यूशन है इंश्योरेंस तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही कि सबसे पहला आपका इंश्योरेंस है डैमेज टू योर डेंटल क्लिनिक वेदर ड्यू टू फायर और एनी एक्ट सच एज अर्थक्वेक फ्लड और एन एक्ट ऑफ टेररिज्म सो so, जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो हमेशा दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ कवर होती है और दूसरी बात यह है कि क्या क्या चीज़ कवर नहीं होती है तभी जाके आप कोई भी इंश्योरेंस क्लेम कीजिए क्योंकि आप इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि वो इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको कवर करके दे रहा है इतना सब जानने के बाद एक तो मैंने आपको बता दिया डैमेज टू योर डें सेकेंड इज़ एन इवेंट ऑफ अ थेफ्ट इन योर क्लिनिक अगर आपके क्लिनिक पे किसी सामान का किसी ऐसे इक्विपमेंट का जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसका चोरी हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा मान लीजिए आपने लेज़र लिया है ढाई लाख लगाया है आर लिया है डेढ़ लाख लगाया है उसके बाद आप अगले दिन अपने क्लिनिक पहुंचते हैं और आपको आर और लेज़र वहाँ पर नहीं मिलता है तो इतना पैसा लगाने के बाद अगर वो चीज़ गायब हो जाए तो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा चिंता होगी ही लेकिन अगर आपने उसको इंश्योरेंस कवरेज में कवर करा रखा होगा तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है आप वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं और आपको आपका जितना अमाउंट है वो कवर होके उसमें मिल जाता है तो इसके बाद और उसके बाद इंश्योरेंस कवर आता है फॉर प्रोफेशनलिज मतलब हम डेंटिस्ट लोग अगर हम क्लिनिक चला रहे हैं और मान लीजिए किसी ने हम पे केस कर दिया कि हमने ख़राब तरीके से उसका ट्रीटमेंट करा है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का ब्रेकेज हो गया है इतना ही नहीं हमने किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस करी है या फिर हम काम तो अच्छा कर रहे थे लेकिन अचानक काम करते करते मशीन ख़राब हो गया और उससे पेशेंट को किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो ये सब चीज़ भी कवर होती है आपकी इंश्योरेंस के अंदर दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ एन इंश्योरेंस बिकॉज इट इज़ लाइक इफ़ एनी इफ Any person can go and file a complaints against you that uh, I have been suffering from a physical and a mental pressure with undergoing of these treatment and you will be liable to charge up to 5 lakhs. Then what will you do at the situation? So इसका भी insurance claim आता है आप चाहे तो इसका भी insurance करवा सकते हैं जितना भी cost आपका बनता पड़ेगा वो सब आपका insurance company देगा क्योंकि कभी-कभी आपका ट्रीटमेंट में गलती उतनी होती ही नहीं है और वो कभी ना कभी किसी वजह से जैसे मशीन चलना बंद हो गया या मशीन ख़राब हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है कि ट्रीटमेंट में कुछ गड़बड़ आ जाए तो अगर ये सब चीज़ आपकी इंश्योरेंस कवरेज स्कीम के अंदर होगी तो आपको डेफिनेटली इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा उसके बाद होता है कि इन एनी इवेंट देर इज़ अ डेथ ऑफ अ डेंटिस्ट सो वट विल हैपन टू हिज और हर फैमिली ऐसा कभी किसी के साथ होना नहीं चाहिए लेकिन हमें हमेशा आगे फ्यूचर का सोच के चलना चाहिए कि हम ऐसे सिचुएशन के लिए भी इंश्योरेंस लेके रखें तो इस कंडीशन में आपके तीन इंश्योरेंस आते हैं सबसे पहला इंश्योरेंस जो है वो है आपकी फैमिली के बेनिफिट के लिए जिसको हम कहते हैं पहला है लाइफ इंश्योरेंस फिर है टर्म इंश्योरेंस फिर है हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है मतलब अगर मान लीजिए 25 साल बाद आपका जो पॉलिसी है वो मैच्योर होता है तो आपको उसमें इंटरेस्ट रेट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है लेकिन जो आपका टर्म इंश्योरेंस रहता है उसमें आपको मैच्योरिटी नहीं मिलता और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है क्योंकि कभी भी आजकल की कंडीशंस देखते हुए हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल देखते हुए कभी भी किसी को भी कुछ भी बीमारी हो ही जा रही है और अगर आप किसी भी अच्छे अस्पताल में जाते हैं तो डेढ़ दो लाख तो ऐसे ही चला जाता है तो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा तो ये सब चीज़ उसमें आगे जाके कवर हो जाती है तो हमने जाना कि इफ़ देर इज़ अ डैमेज टू योर डेंटल क्लिनिक damage due to fire, damage due to the act of violence or there is earthquake or flood or anything. If there is an uh, situation that some theft has been caused in your clinic then what you have to do and then it is like if someone files a case against you. It is one more thing which is said in the ethics is that whenever you go in a party or something like kind of function and the family member start asking you that what are what this is my problem what what should i do go and go for the treatment what treatment has to be done in my case and you start giving the consultation over there only and you say aap ye kara lijiye aap ye kara lijiye Ethics में हमारे dental ethics में ये चीज़ बिल्कुल ही मना है कि आप ऐसे verbally जाकर ja ऐसे consultation दें क्योंकि कभी कभी वो patient अगर उसको एकदम serious ले लिया कभी कभी आप ऐसे फंक्शन में गए हो तो आपका दिमाग कहीं और है आपके मुँह से कुछ निकला और उन्होंने उसको सीरियसली लिया प्रैक्टिस करने लगे और वो उन्हें इल लगा उनके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं रही तो वो उस समय पर भी आप पर आगे न आगे ना जाके केस कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि एक डेंटल क्लिनिक सेटअप से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेहनत के साथ साथ उसमें बहुत पैसा भी लगता है क्योंकि एक बार क्लिनिक अच्छे से सेट हो जाए वही बेहतर रहता है तो ये सब आपकी इंश्योरेंस स्कीम थी जो डेंटिस्ट को ले लेना चाहिए सो तो तो ये सब चीज़ें थी कि आपको क्या क्या इंश्योरेंस लेके रखना है और ये आपके कहाँ कहाँ पे यूज़ आ सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट सर्व एज अ मोटिवेशन फॉर अस टू मेक मोर अमेजिंग डेंटल रिलेटेड वीडियो फॉर यू सो आई एम साइनिंग इट ऑफ बाय